नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के चलते सात मुस्लिम देशों के शरणार्थियों की एंट्री पर लगा प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिफ्यूजी प्रोग्राम पर 4 महीने के लिए लगाई अस्थायी रोक। सूची में ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन का नाम शामिल। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत अमेरिका के और करीब आने का सता रहा है डर। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान पर बढ़ा अमेरिका का दबाव। चीन ने अमेरिका के साथ जताई युद्ध की आशंका, तेज की सैन्य तैयारियां। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को बताया बेहद जटिल। अमेरिका में हिजाब पहनकर काम कर रही एक एयरलाइन कर्मी पर नस्ली हमला। आरोपी ने महिला से की बदतमीजी और मारपीट। उत्पीड़न समेत कई आरोपों में पुलिस ने मामला किया दर्ज। और उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में 18 लाख लोग भुखमरी की कगार पर। आतंकवादी संगठन बोको हरम के कब्जे वाले क्षेत्र में बढ़ी भुखमरी। आतंकी हमलों के डर से पूरी नहीं की जा पा रही तत्काल खाद्यान्न की आवश्यकता। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।